The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar, adab, sat sri akal, kaise hain aap? Dosto, aaj hum baat karenge steroids ke baare mein. Ji haan, ye jo inhaler aap log ने कई जगह देखा होगा, कई पिक्चरों में देखा होगा, कई लोग यूज़ कर रहते होंगे और कोविड के टाइम पे भी कई लोगों ने यूज़ किया होगा। इनमें कई बार स्टेरॉइड होता है और कई बार सांस की नलियां खोलने वाले ब्रोंको डायलेटर्स होते हैं। अब ठंड का मौसम है और ठंड में सांस की दिक्कत अस्थमा वाले पेशेंटों को भी होती है और नॉर्मल पेशेंटों को भी होती है, कई बार जनरल पब्लिक को भी हो जाती है। तो ऐसे केस में कई बार इस्तेमाल होते हैं स्टेरॉइड्स। अब ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड नहीं होते, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये कई बीमारियों को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बाय डॉक्टर्स ही इसे दे सकते हैं, आप खुद से इसे नहीं लेना भी नहीं चाहिए। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का मेन काम होता है कि ये इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग को कम कर सकते हैं और जो सांस की नलियों में बलगम वैसे भी पैदा होता है, अगर ज़्यादा पैदा होकर नलियों को ब्लॉक करने लग जाए, नाक बंद हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बलगम बन रहा है, इतना कि वो नॉर्मल दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा, तब आपको स्टेरॉइड दिया जाता है। शर्त है कि वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। अगर इन्फेक्शन में स्टेरॉइड दिया जाएगा तो वो इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है, ठीक है। स्टेरॉइड का सबसे बड़ा फायदा होता है कि वो तुरंत रिलीफ देता है और कई बार इसीलिए एक दो गोली खाने से ही रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को, और दूसरी दवाइयों को भी काम करने में हेल्प होती है अगर वो दवाई बलगम की वजह से, या जैसे इनहेलर लेते हैं आप, दूसरा कोई या फिर कोई और दवा लेते हैं जो अंदर तक पहुँच ही नहीं पा रही है सांस की नलियाँ बंद होने की वजह से कुछ, तो स्टेरॉइड हेल्प कर सकता है। तो स्टेरॉइड काम के भी है, साथ साथ बहुत डेंजरस भी है, जस्ट लाइक फायर, आग काम की भी है और बहुत डेंजरस भी है। तो स्टेरॉइड यानी आग से खेलना वाली बात है, तो इसलिए खुद से नहीं खेलना है, ओके। तो स्टेरॉइड कब इस्तेमाल करना है? क्रोनिक, अगर बहुत लंबे समय से कोई बीमारी हो रही है फेफड़ों की, ठीक है, वैसी बीमारी, तो क्रोनिक बीमारी, लंबे समय से हो रही बीमारियां, या फिर जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड होते हैं वो वाले स्टेरॉइड नहीं है ये, बॉडी बिल्डर यूज ना करें इसको। इनहेलर लेने से बॉडी नहीं बन जाएगी, ठीक है। इनहेलर का मैंने जैसे बताया था, वो पूरी बॉडी पे नहीं जाते, केवल लंग्स में जाते हैं और पूरी बॉडी में निग्लिजिबल, ना के बराबर इफेक्ट होता है। तो स्टेरॉइड का फायदा ये है कि वो लिवर को डैमेज नहीं करते आपके, और टेस्टोस्टेरोन लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं करते, ना कम करते हैं ना बढ़ाते हैं। तो स्टेरॉइड्स हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और आपका शरीर भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड नाम से जो एक कॉर्टिसोल हार्मोन है वो बनाता है। टेक्निकली कॉर्टिसोल जो है आपके एड्रीनल ग्लैंड जो आपके किडनी के ऊपर होता है वहां से बनता है, जिस प्रकार का एड्रीनल ग्लैंड होता है, जिसका भी कंट्रोल अल्टीमेटली ब्रेन से है, ठीक है। वहां पर कॉर्टिसोल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो कि आपका स्ट्रेस हार्मोन है, नेचुरल स्टेरॉइड है जो आपके लाइफ के लिए जरूरी भी है। स्ट्रेस के टाइम पर ये आपका कॉर्टिसोल बनाता है ताकि आपका शरीर तैयार हो सके, स्ट्रेस से लड़ सके, ठीक है। और उसके कई सारे काम हैं, आप कॉर्टिसोल की वजह से, स्टेरॉइड की वजह से सबसे कॉमन चीज़ें जो होती हैं वो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, ऐसे कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, आपके हार्ट रेट, आपका पल्स रेट, आपको नींद नहीं आना, आपको आपके दूसरे हार्मोन्स जो हैं एक्साइटमेंट वाले बढ़ जाना, कई सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें जो आपकी स्ट्रेस की वजह से होती हैं। सो नॉर्मली ये एड्रिनल ग्लैंड्स कॉर्टिसोल आपके स्ट्रीम में हर सुबह सिक्रीट करते हैं कि आप दिन भर के काम के लिए तैयार हो जाए, बहुत कम मात्रा में। एड्रीनल सप्रेशन नाम की एक चीज होती है, यानी कि उस जगह का जहां से आपके ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या कॉर्टिसोल बन रहे हैं, यहां से कहां से बनते हैं, ब्रेन मॉनिटर करता है कि एड्रीनल फंक्शन या एड्रीनल ग्लैंड कितना हार्मोन्स बनाए, कॉर्टिसोल हो, एड्रीनलिन हो, नॉरएड्रीनलिन हो, जितने भी बनते हैं उनको ब्रेन ही कंट्रोल करता है और ये सारे एड्रीनल कॉर्टेक्स से बनते हैं। तो अगर कोई पर्सन स्टेरॉइड बहुत ज्यादा मात्रा में लेता है, लंबे समय के लिए लेता है, तो बॉडी या ब्रेन डिटेक्ट कर लेता है कि इसके खून में बहुत सारे स्टेरॉइड है, तो वो क्या करेगा, वो एड्रिनल ग्लैंड को बोलेगा कि भैया कॉर्टिसोल या स्टेरॉइड मत बनाओ, हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा आ रहा है, कहीं से आ रहा है उसको कोई लेना देना है, वो कहेगा मत बनाओ। तो इसे कहते हैं एड्रिनल सप्रेशन। तो ब्रेन एड्रिनल ग्लैंड को सप्रेस करेगा, जस्ट लाइक कोई टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन या टेस्टोस्टेरोन के डेरिवेटिव लेता है तो उसके ब्रेन बोलता है आपके टेस्टिकल्स को कि टेस्टोस्टेरोन मत बनाओ, ठीक है। सो जनरली ये स्टेरॉइड के डोसेज इसको इसीलिए स्लोली बंद किया जाता है या स्लोली बढ़ाया जाता है। स्लोली बंद करने से आपके बॉडी को टाइम मिलता है अडेप्ट करने का, स्लोली एड्रीनल ग्लैंड को वापस शुरू करने का। तो अगर आप खुद से या पहले से कई टाइम से स्टेरॉइड ले रहे हैं, लंबे समय से ले रहे हैं, तो तुरंत बंद मत करें, अपने डॉक्टर से बात करें और स्लोली स्लोली उसे बंद करें। सो
स्टेरॉयड नाम के कई इनहेलर आते हैं, कई गोलियां भी आती हैं, इंजेक्शन भी आते हैं, आईवी शॉर्ट सॉल्यूशंस भी आते हैं, याद रखें। लंग क्रोनिक बीमारियों में, लंग डिजीजेस में दिए जाते हैं, और ऐसी क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में भी दिए जाते हैं, क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीजेस में दिए जाते हैं। तो स्टेरॉयड कैसे दिए जाते हैं, हाई डोज में तो वो सिर्फ इंजेक्शन के हिसाब से दिए जाते हैं, और सिम्टम्स इंप्रूव होने के बाद कई बार उसकी गोलियां सिरप या इनहेलर से दिए जाते हैं। आपको डोज चेंज अपने डॉक्टर से बात करके करना है। अगर आपके इन्फ्लामेटरी कंडीशंस, आपकी बीमारी बढ़ रही है तो डोज बढ़ेगा, कम हो रही है तो डोज कम होगा। हमेशा 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 डोज जो है टेपर होता है। अगर टेपर नहीं हुआ और आपने तुरंत बंद कर दिया तो आपके जो भी सिम्टम थे, चाहे लंग के थे, चाहे किडनी आपके इन्फ्लामेशन के थे, वो ब्रेक थ्रू करके तुरंत बढ़ सकते हैं, वापस बड़े होके आ सकते हैं। याद रखेंगे स्टेरॉयड की वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का भी रिस्क होता है, आपकी इम्यूनिटी को टेम्पररीली कम करते हैं, और आपकी जैसे जैसे सिम्टम्स, आपके स्टेरॉयड का डोज कम होगा, कई बार हो सकता है आपके सिम्टम्स वापस आए, खासकर ऑटोइम्यून डिजीज या क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में। जैसे स्टेरॉयड कम करते हुए, स्टेरॉयड लिया, आराम आ गया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ठीक हो गया मैं, उसके बाद कम कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा वीकनेस, थोड़ा जॉइंट पेन, थोड़ा फटीग, कई लोगों को थोड़ा डिप्रेशन भी आता है, तो दैट हैज टू बी मैनेज्ड। इसीलिए डोसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो याद रखें, स्टेरॉयड एक आग के जैसा है, फायर है, ठीक है, इसको फ्लावर नहीं समझना है, ओके। और स्पेशल सिचुएशंस जहां पर स्टेरॉयड जरूरत होती है, वो कैसी जगह पे, अगर कोई ऐसी सीरियस सर्जरी हो जाते हैं, या ऐसा कोई ग्राफ्ट या आपके बॉडी के अंदर कोई ये ऑर्गन डाला जाता है, तब भी इम्यूनिटी को सप्रेस करने की जरूरत पड़ती है, और कई बार आपके बीमारी के वजह से आपको स्टेरॉयड देना पड़ जाता है। रिएक्शंस हो सकते हैं स्टेरॉयड से, याद रखिए, कई लोगों को नॉर्मली स्टेरॉयड लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताना होगा कि आपको कोई एलर्जिक रिएक्शंस नॉर्मली किन किन दवाइयों से होता है। याद रखिए, स्टेरॉयड से आपका शुगर लेवल बहुत जल्दी बढ़ता है, इम्यून सिस्टम आपका डाउन होता है। कई सारे दुनिया भर के हर्बल मेडिसिंस भी आते हैं जिनके अंदर, या नेचुरल आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी आती हैं जिनके अंदर स्टेरॉयड जैसा इफेक्ट है, थोड़ा सा, हल्का सा। सो याद रखें, अपने डॉक्टर को जरूर बताएं कि अगर आप कोई इस प्रकार का कोई दवा ले रहे हैं तो, ठीक है, ताकि भाई मिक्स ना हो जाए, डबल डोज ना हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेरॉइड्स एंड स्टेरॉइड्स फॉर ब्रीदिंग प्रॉब्लम अस्थमा। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब कर लेना, भूलना नहीं। ओके।